क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 30 दिनों तक बिना सोई गुजारना पड़े तो क्या होगा? इस सवाल को सुनकर ही शायद आप घबरा जाएंगे। लेकिन सन 1940 में विश्व युद्धों के दौरान एक ऐसा ही प्रयोग सोवियत यूनियन ने बंदी बनाए हुए 5 कैदियों पर किया था। हालांकि 30 दिन पूरा होने से पहले ही उन सभी कैदियों को जान से मारना पड़ गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले ही उन कैदियों को मौत के हवाले करना पड़ गया था? आज इस खतरनाक साइंस की इस सीरीज में आप एक ऐसे रूह कपा देने वाली सच्ची घटना के बारे में जानोगे जिसने इंसान को दरिंदा बनाने पर मजबूर कर दिया था। साल 1940 में सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए बंदी बनाए हुए दुश्मन सेना के 5 कैदियों को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई कि अगर ये सभी कैदी बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। साथ ही सोवियत यूनियन ने जिस कमरे में उन कैदियों को रखा था वहां उन्हें खाने पीने और हर तरीके की सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उनके सोने या बैठने की कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा उन पर नजर रखने के लिए उस कमरे पे 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। कैदियों को नींद ना आए इस वजह से उस कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस उचित मात्रा में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। ये गैस एक केमिकल एल्यूमिनेट थी जो उन्हें जगाए रखने में मदद करती थी। पहले 4 दिनों तक कैदियों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन 5वें दिन से ही उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई। 9वें दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने की वजह से घंटों चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई और धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उस कमरे में छोड़ा जाता था उसका असर सारे कैदियों पर दिखना चालू हो गया था और सभी को अपना मानसिक संतुलन खोने लगा था। धीरे धीरे रिसर्चर्स उस कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे में अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाजें आती रही जो बाद में जाकर बिल्कुल ही बंद हो गई। हालांकि रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वे सारे कैदी अभी भी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब कोई भी आवाज उस कमरे से आनी बंद हो गई तो उसके अंदर जाने का फैसला किया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों को बताया कि वो सभी अंदर आ रहे हैं तो बेहद खौफनाक आवाज में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि वे आजाद नहीं होना चाहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर घबराए हुए रिसर्चर्स जब उस कमरे में दाखिल हुए तो नजारा बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। जो खाना कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था। चारों तरफ खून पसरा हुआ था और कैदियों के कटे हुए अंग चारों तरफ पड़े हुए थे जिसे वे बाद में खाने वाले थे। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस के टुकड़े को खा रहे थे। ये दिल दहला देने वाली नजारा देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला गया जिसके वजह से वे छटपटाने और चिल्लाने लगे। ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए लेकिन उन पर इनका कोई भी असर नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान 3 कैदियों की जान चली गई और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। कैदियों के हालत को देखते हुए रिसर्चर्स बेहद डर गए थे और इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोकना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर के आदेश की वजह से वे ऐसा नहीं कर सके। इस बार उन कैदियों को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को भी उनके साथ रखा गया, लेकिन उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर्स इतना ज्यादा डर गया कि उसने बाकी बचे हुए 2 कैदियों को गोली मार दी। इस घटना के बाद इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दिया गया। सन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम की एक वेबसाइट ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाया, लेकिन इस प्रयोग का खुलासा करते हुए इस आर्टिकल में लिखा गया था कि इस प्रयोग को जानबूझकर पूरी दुनिया से छिपाया गया है। वैसे गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।